मीरा भाईंदर, महानगर पालिका और सत्ताधारी भाजपा ने अब स्टॉल धारकों को रास्ते और फुटपाथ पे से हटाकर शहर के विकास करने का दावा किया है, लेकिन इस दावे से सैकड़ों स्टॉल धारक बेरोजगार हो रहे। आइए जानते हैं क्या कहना है उन लोगों का। मेरा आर एस स्टॉल है शांति नगर सेक्टर तीन में। मेरे आदमी की दोनों किडनी फेल है, उसका बस्ती मैदान में डायलिसिस चलता है, इतना खर्चा होता है महीने का, तो मैं कैसा कर सकती हूँ। आर एस स्टॉल है, उसके ऊपर मेरा घर चलता है, मेरे आदमी का दवा चलता है। और जो बात मैंने सुना है कि आर एस स्टॉल अभी सब तोड़ने वाले हैं, तो उनको क्या दिक्कत है ये अरे गरीब लोगों को ऐसा रोजगार छीनने का, जो हमारा पेट चलता है उसके ऊपर। जब भी आर्य का दूध नहीं आता है तो दूसरा कुछ तो करेंगे ना, दूसरा दूध बेचेंगे, दूसरा कुछ भी करेंगे ना, बिस्किट है, चॉकलेट है, कुछ भी बेच के घर चलाते हैं ना। अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम ये महानगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सामने सब जन जितने भी आर्य स्टॉल वाले है वो आमरण उपोषण करने वाले हैं। चंद्रकांत वैती, डिंपल मेहता जी भी थे, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा इनके साथ गलत हुआ है, तो वो मानने को तैयार नहीं था। हमारे पास तो पुलिस का ये भी है एनओसी कि ट्रैफिक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इनके स्टॉल मतलब बराबर है, ट्रैफिक इनसे होता नहीं है। तभी भी बेरोजगारी के लिए मतलब हमारा रोजगार छीन के ये लोग बेरोजगार करना चाहते हैं। आज हम पढ़े लिखे लोग हैं, आज ये उम्र हुई है कि आज हमको किधर नौकरी नहीं मिल सकती। मंगलवार से हम लोग सभी भाई लोग और बहन लोग सब बैठने वाले हैं आमरण उपोषण के लिए। मेरा इसी स्टॉल पे उधर नहीं रहा था, मेरे माँ बाप भाई भी है और इसी स्टॉल पे सब कर रहा था, चल रहा था मेरा। वही इनके सावन साहब मिले मेरे को और वही लेके गए महानगर पालिका। मैं अकेला पहले घूमता था, मैं मेरे को कोई देखता भी नहीं था, खाली होगा ऐसे बोल। कितने सालों से महानगर पालिका के चक्कर काट रहे आप? अभी तो तोड़ने के बाद 2 साल से चक्कर काट रहा हूँ और सावन साहब मिले हैं तो अभी थोड़ा सब स्टॉल वाले एक हो गए तो थोड़ा हिम्मत आ गया, तो अभी देखते हैं आमरण उपोषण के लिए बैठने वाले हैं। वो अभी इतना 15 साल से मैं स्टॉल चला रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ, वो पहली बार ऐसा हो गया है। वो बीजेपी के राज में ही हो रहा है, वो गलत काम कर बोल रहे हैं। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन कुछ नहीं, जो हैंडीकैप एक पाव है वो दूसरा भी पाव तोड़ दिया हमारा, वो खाना पीना मुश्किल हो रहा है पूरा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और अच्छे दिन किसके लिए अच्छे दिन आ गए कुछ मालूम नहीं, उनको ही मालूम होगा किसका अच्छा दिन आ गया, हमारा नहीं, हमारा तो घर पीने का दिन आ गया, ऐसा मैं बोलता हूँ। अभी शहर में एक नई पॉलिसी ऐसी ला रहे हैं कि हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि शहर में विकलांगों को, जो दिव्यांग है, दिव्यांग की संज्ञा जिनको है, उनको रोजगार देने के लिए नए स्टॉल कॉरपोरेशन उनको दे रही है। ये हमारा एक नया रेजोल्यूशन हम लोगों ने किया है, उस पर कार्रवाई की बात चल रही है। अरे सरिता के स्टॉल पर कॉरपोरेशन ने उस वक्त जब दिए तो परमिशन में जो आटी शर्ती है, वो आटी शर्ती का उल्लंघन जिसने किया होगा तो वो कार्रवाई होगी, बाकी प्रशासन अपना निर्णय लेगा। अभी ये विषय आएगा हमारे सामने तभी हम लोग डिसीजन लेने वाले। इसकी सारे रिपोर्ट हमारे पास है, इसके सारे रिपोर्ट जिस जिस जगह पर म्यूनसिपलिटी ने परमिशन दिया है उसके सारे रिपोर्ट कॉरपोरेशन के पास है। अपनी बात रखने के लिए कुछ बात करना और रिकॉर्ड पर रिपोर्ट में जो बात रहना, इसमें अगर विरोध है तो फिर प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। जिस हेतु से जो स्टॉल दिया गया है उस हेतु का काम वहाँ होना अपेक्षित है। देखो सभी को एक सर्टन वक्त के लिए जरूरत रही थी तब तक वो चलाया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया कि बाबा मैं अभी दूसरे नौकरी पर लगाऊं, मेरे को काम मिला, ये स्टॉल मेरे को नहीं चाहिए, ये किसी ज़रूरतमंद को दे दो, ऐसा बोलने को कोई आया। लेकिन जो समृद्ध हुआ है उसने, हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं उनको भी अपनी जगह बना के देनी चाहिए। अभी महापालिका क्या धोरण निश्चित करते हैं उसमें हमारा भी
मत विश्वास में लिया जाएगा उस वक्त मैं ये बात रखूँगा कि जो प्रैक्टिकली ज़रूरतमंद है, जिसको कोई इसके सिवाय चारा नहीं, उसका घर नहीं चले, ऐसे लोगों के लिए हम अपनी भूमिका जरूर रखेंगे, उनका साथ निभाएंगे। आयुक्त साहब ने हमें कल बुलाया था और उन्होंने हमें ये बताया कि जितने भी मीरा भाईंदर में आर स्टॉल हैं उनके परवाने रद्द कर दो और उनको स्टॉल डिमोलिश करो। हमें स्वच्छ भारत सुंदर भारत भारत अभियान ये करना है। फुटपाथ जो रास्ता गटर वगैरह जो है वहाँ पर ये स्टॉल है तो उनको हटाओ। और एक तो यहाँ पर रोजगारी नहीं है, भूखमारी बेरोजगारी चालू है, कोई रोजगार नहीं है, लोग नौकरियां जा रही है लोगों की, यहाँ जो है लोगों का रोजगार वो भी छीना जा रहा है। और हमारे जो आयुक्त है वो महासभा में बोलते हैं कि सेवन क्लब का जो ये है उसके लिए प्रस्ताव लाते हैं, बोलते हैं कि इसको रोजगार देंगे, इसकी वजह से रोजगार आएगा, जो रोजगार है उसको आप नष्ट करने जा रहे हैं। और ये गरीब सामान्य जनता है, उनके रोजगार क्यों आप नष्ट कर रहे हो? 100 में से समझो 4 आदमी अगर गलत काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो सभी आदमी बदमाश है क्या? हमारे जो शिवसेना के जो माननीय आमदार प्रताप सरनाइक जी है उनको हम लोग जाके मिले इस विषय में, तो उन्होंने तुरंत ही कदम उठाया, उन्होंने आयुक्त साहब से बात की और उसके उपरांत तो उन्होंने विरोधी पक्ष नेता राजू भोईर और गठन नेता हरिश्चंद्र आमगावकर तथा दिनेश तलावड़े नगर सेवक वगैरह सब आके एक विषय हुआ, मीटिंग हो गई सोमवार को, पिछले या अभी सोमवार को 29 तारीख को। तो आयुक्त साहब ने हमें वो बताया कि आपके स्टॉल हम लोग नहीं तोड़ेंगे, हमें आश्वासन देते हैं, लेकिन उन्होंने लिखी आश्वासन हमें नहीं दिया है। वो बोल रहे हैं कि इसको ठहराव में रखेंगे, तो हमें कोई ठहराव वगैरह नहीं चाहिए, हमें स्पष्ट उनको बोलना है कि आपके अख्तियारिति में ये काम करो, आप आयुक्त है आपको वो राइट है, मेयर को और आयुक्त को राइट होता है कि वो अपने अख्तियारिति में वो पास कर सकते हैं, नहीं मानते हैं तो आने वाले मंगलवार से हम लोग आमरण उपोषण करने वाले हैं, या तो हमें बीएमसी में परमानेंट नौकरी दो या तो हमारे स्टॉल अबाधित रखो। आप रोजगार देने की बजाय रोजगार उनका उद्ध्वस्त कर रहे हो। माननीय नरेंद्र मोदी साहब पंतप्रधान हमारे वो बोल रहे हैं तुम पकौड़े तलो, उन रस्ते पे खड़े होके बिजनेस करो, और ये यहाँ पर उनके भाजपा के जो नेता है वो अपने भाजपा के बहुत बड़े नेता समझते हैं, वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इनका स्टॉल हटाओ, ये करो वो करो, कि ये जो सामान्य लोग हैं उनके विरोध में आपने जो गलत कदम उठाया, जो उनका रोजगार छीनने की बात कर रहे हैं वो आप कदम पीछे लीजिए, अन्यथा हम लोग आमरण उपोषण करेंगे आने वाले मंगलवार से। ये थे संजय सावंत जो आर्य स्टॉल संगठन के अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में अब आगे की लड़ाई जारी रहेगी। आप देख रहे थे मेरे साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।